नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैल्शियम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर को कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों प्रतिदिन। इसके अलावा कैल्शियम के अच्छे स्रोत क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए किस तरीके से लाभदायक होता है, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 600 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी 300 से 800 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी 2300 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 600 मिलीग्राम। दोस्तों, प्रतिदिन हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है 600 मिलीग्राम। कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? 600 मिलीग्राम कैल्शियम की हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्लोरीन की आवश्यकता हमें कितनी होती है, तो दोस्तों क्लोरीन की हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है, बच्चों को तो होती है दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है उस बच्चे को होती है दोस्तों 300 से 800 मिलीग्राम प्रतिदिन की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। अगर वयस्क की बात करूं दोस्तों, तो वयस्क को आवश्यकता होती है दोस्तों क्लोरीन की 2300 मिलीग्राम प्रतिदिन। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है 600 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक छोटे बच्चे को प्रतिदिन कितनी क्लोरीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए या फिर उसके शरीर के लिए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 300 से लेकर के 800 मिलीग्राम प्रतिदिन उस बच्चे को आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? मान लीजिए कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी क्लोरीन की आवश्यकता होती है यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2300 मिलीग्राम प्रतिदिन दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति को क्लोरीन की आवश्यकता होती है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी जो रेलवे की एग्जाम है उन रेलवे की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्टार लगा लेना और साथ ही साथ में नोट भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि कैल्शियम के अच्छे स्रोत है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए खजूर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों केला, ऑप्शन नंबर सी है प्याज और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए ये दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो दोस्तों हमें कैल्शियम जरूरी है प्राप्त करना, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अब बात यह आती है कि किस किस से प्राप्त होता है, कौन कौन इसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों खजूर से कैल्शियम प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। केला से कैल्शियम प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्याज से कैल्शियम प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम के अच्छे स्रोत है उनमें से दोस्तों एक आता है बंद गोभी। इस बंद गोभी से भी दोस्तों कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। उसके अलावा दोस्तों दूध और अंडा, ये तो खैर दोस्तों प्रमुख स्रोत है ही है। अगर दोस्तों आपको इनमें से
कोई भी याद नहीं होता, तो दूध और अंडा तो आपको याद रखना ही रखना है। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जानकारी उपयुक्त रहेगी। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, बहुत जरूरी है यार ऐसी वीडियो को देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से घाव भरने में सहायक है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको टाइम देता हूं ओनली फॉर 50 सेकंड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों ही दोस्तों हमारे घाव भरने में सहायक होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों विटामिन सी की बात करें तो हमारी जो त्वचा होती है ना त्वचा, इस त्वचा में एक कोलेजिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक कोलेजिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके निर्माण में कौन सहायक होता है? तो भैया इसके निर्माण में विटामिन सी सहायक होता है, इसलिए दोस्तों हम विटामिन सी को घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपकी त्वचा में कोलेजिन प्रोटीन पाई जाती है, इसके निर्माण में विटामिन सी सहायक होता है, इसलिए दोस्तों विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं विटामिन सी के बारे में बात करूं, अगर दोस्तों मैं विटामिन सी के बारे में बात करूं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। दोस्तों अगर मैं इसके स्रोत की बात करूं तो वैसे तो दोस्तों सभी खट्टे फल इसके स्रोत है, लेकिन दोस्तों जो सबसे मुख्य स्रोत है इसका वो कौन कौन है? एक तो है आंवला और एक है दोस्तों अंगूर। इसके अलावा दोस्तों कच्चा आम, नींबू, अमरूद, इमली, हरी मिर्च, संतरा, ये दोस्तों बहुत सारे, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। दोस्तों इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला विटामिन भी कहते हैं, इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो मसूड़े होते हैं इन मसूड़ों में सूजन आ जाता है, साथ ही साथ में ब्लड भी आने लग जाता है, इस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। बात क्लियर है? दोस्तों जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो दोस्तों ये खत्म होने लग जाएगा विटामिन सी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये उष्मा रोधी होते हैं। बात क्लियर है? तो दोस्तों आपको विटामिन सी की ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमारे घाव भरने में किस तरीके से सहायक होता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करने में सहायक होता है, शरीर की मरम्मत करने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि दोस्तों ये हमारे घाव भरने में भी सहायक होता है। कैल्शियम दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल बहुत राइट बात है दोस्तों कि जो कैल्शियम होता है ये भी दोस्तों हमारे घाव भरने में सहायक होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि कैल्शियम से संबंधित सत्य कथन है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए यह दांत के निर्माण में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी है हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों किस तरीके से आपको पता है आपके दांत और जो हड्डियां होती है वो CaCO3 और CaPO4 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। तो दोस्तों दांत व हड्डियों के निर्माण में कौन सहायक होता है, कैल्शियम सहायक होता है जैसा कि आप देख सकते हो। अब बात आती है दोस्तों कि मांसपेशियों के संकुचन में ये सहायक होता है तो किस तरीके से। आपके दोस्तों जो मांसपेशियां होती है ना मांसपेशियां, इस मांसपेशियों के हिलने डुलने को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, हिलने डुलने को ही संकुचन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये गर्दन है, मैंने यूं इस तरीके से हिलाई इसको, तो दोस्तों ये संकुचन हुआ हमारी मांसपेशियों के बीच में, तब जाके तो ये हिली डुली। तो दोस्तों इस मांसपेशियों के संकुचन में या फिर हमारी मांसपेशियों के हिलने डुलने में कौन सहायक होता है, तो भैया कैल्शियम सहायक होता है। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कैल्शियम से संबंधित मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिस जिसमें दोस्तों बायोलॉजी आती है उस परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की। क्वेश्चन नंबर पांच दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार नहीं लगाया है तो स्टार लगा लीजिए और साथ ही साथ में नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं जो कि विटामिन डी से संबंधित भी होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच कहता है कि कैल्शियम की कमी से रोग होता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाली भी एक बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस भी दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाली भी एक बीमारी है, बात क्लियर है। साथ ही साथ में दोस्तों कैल्शियम की कमी से भी होती है, बात क्लियर है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है ये वयस्क में होती है। किस में होती है मेरे भाई, वयस्क में होती है। इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है उस रोगी की जो हड्डियां होती है वो हड्डियां कमजोर हो जाती है, बात क्लियर है। हड्डियां बिल्कुल पतली हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल पतली हो जाएगी। इससे संबंधित ही दोस्तों एक बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया से संबंधित है रिकेटस। यह रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। यह बीमारी बच्चों में होती है, वयस्क में नहीं होती, ये बीमारी बच्चों में होती है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो रोगी होता है उस रोगी की हड्डियां कमजोर हो जाती है, रोगी की हड्डियां कमजोर हो जाती है, बिल्कुल रोगी पतला हो जाता है, हड्डी बाहर दिखाई देने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस बच्चों में जो दांत होते हैं वो दांत लेट आते हैं दोस्तों। ये रोगी होता है ना दोस्तों, इस बच्चों में जो दांत होते हैं वो दांत लेट आते हैं, बात क्लियर है। तो रिकेटस आपको समझ में आ गया होगा और दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं दोस्तों तो इस रोग में होता क्या है, जो आपकी हड्डी होती है इन हड्डियों में दोस्तों छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे से बहुत सारे, बात क्लियर है। ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से भी होने वाली एक बीमारी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और दोस्तों ये कैल्शियम की कमी से होने वाली भी एक बीमारी है।
आशा करता हूँ दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।